हाँ यार, तो अगर आप लोगों को शाम को भूख लगी हो और आपने दिन का खाना पीना खाया हो, तो आज मैं सप्लाई की तरफ जा रहा हूं। हाँ यार, तो मैं आज जानी दोबारा से आया हूँ IPE, और बताता चलूँ ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है IPE की तरफ से, और जिन्होंने स्पॉन्सर किया है वो है हमारे सर। या सर, कैसे हैं आप सर? सर अलहमदिल्ला ठीक। ने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए हमें। थैंक यू सो मच आपके आने का। बेसिकली IPE हमने स्टार्ट किया था 2016 में। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमने बेसिकली इस कोर्स के लिए है, जो हम लोगों ने अपनी पूरी टीम है, हम कुछ फॉरेन क्वालिफाइड हम कलीग्स हैं, हमने यहाँ पे इस कोर्स के लिए आए हैं कि हम यहाँ पे आके लोगों को ट्रेनिंग और ट्रेनिंग दें, इसलिए कि वो खुद स्किलफुल हो जाए। तो सबसे पहले हमने लॉन्च किया था मॉन्टेसरी टी शर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट टाइम इन एबटाबाद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो की तरफ से एफिलिएटेड है। हमने अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 स्टूडेंट इस वक्त पास आउट किए हैं। हमारे पास आउट स्टूडेंट्स पूरे हज़ारों डिवीजन में इस वक्त स्कूल्स में टीचिंग कर रहे हैं। हमारे बेनिफिट यहाँ IPE से मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग का ये कि हम लोग उनको इंग्लिश लैंग्वेज के विकसित देते हैं, प्लस उनको कंप्यूटर्स के आर्ट एंड स्किल्स बताते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जब तक वो जो टीचर्स यहाँ जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो जो सीखती हैं वो प्रेजेंट कर, जब तक प्रेजेंट नहीं कर सकेंगी तो पूरा का पूरा उनके लिए एक पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं होता। सेम इसी तरह हमारे पास मानसेरा के स्टूडेंट्स भी आई हैं, हमने उनको स्पेशल पैकेज दिया अप टू ज़ीरो ट्यूशन फीस तक। कुछ हमारे पास ऐसी भी स्टूडेंट्स आई हैं जो कि बिल्कुल भी वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थी, जो फीस पे नहीं कर सकती थी, हम लोगों ने उनको प्रमोट करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे अदारे ने उनको सपोर्ट किया है। तो ये रहा हमारा मॉन्टेसरी टी शर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और उसके बाद हमने यहाँ पे फैशन डिजाइन का फर्स्ट टाइम एबटाबाद हमने स्टार्ट किया। हमारे जो ट्रेनर हैं वो फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं और उनके बैचलर डिग्री भी है। हम लोगों ने यहाँ पे फैशन डिज़ाइन को ना के सिर्फ इस हद तक पढ़ाने के हद तक किया, हम लोगों की यहाँ पे 40% उसमें थ्योरी है और 60% प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। प्लस हम उनको कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाते हैं, वो अपनी डिज़ाइनिंग करने के बाद उसको फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग का भी टच देते हैं, फेसबुक पे वो अपलोड करके और वो उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करके। ये रहा हमारा दूसरा प्रोग्राम है। थर्ड हमें इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का। ये भी 6 मंथ्स का डिप्लोमा है, जो कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हमारे इस पूरे एरिया में होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोई भी नहीं था, तो हम लोगों ने टेफ्टा के से टेफ्टा के साथ मिलके यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। हमारा जो प्रोग्राम है वो कि ना कि नेशनली और इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोग्राम ये है। जो लोग यहाँ पाकिस्तान में हमारे पास पढ़ना चाहते हैं, उस बार कंटिन्यू कर मलेशिया में करना चाहते हैं, हम उनको ये भी फैसिलिटी देते हैं। थर्ड हमारे पास कनाडा एम्बेसी के इमिग्रेशन डॉल्स पूरी उनकी टीम है, जो कि यहाँ पे जो प्रोफेशंस को असेस करते हैं, असेस करने के बाद उनको अगर तो वो उनके पॉइंट्स स्कोरिंग में आते हैं, एलिजिबल हैं, तो फिर उनको हम लोग नेक्स्ट अपने इमिग्रेशन के लिए हम उनको प्रोसेस में उनका प्रोसेस में केस डाल देते हैं। तो थर्ड हमारे पास IELTS की यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। IELTS की क्लासेस हमारी जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड टीचर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं, वो आती हैं, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए क्लास अरेंज करती हैं। अगर आप उससे जो भी इंटरेस्टेड हो तो हमारा ये मोबाइल नंबर प्लस हमारी जो वेबसाइट है जो आपको इन दी एंड नज़र आएगी, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम। तो अभी मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। हाँ यार, तो अगर आप लोगों को शाम को भूख लगी हो और आपने दिन का खाना पीना खाया हो, तो जानी बिरयानी तो शाम को बनती है। हाँ, तो अभी मैं आया हूँ बिरयानी वाली शॉप पे, बिरयानी खा के फिर चलते हैं घर।
हाँ यार मैं घर तो आ चुका हूँ। और लास्ट में अगर आप लोग मुझे एफ्टावर रीजन से देख रहे हैं और अगर आप लोगों को टीचर ट्रेनिंग कोर्स करनी है, आप लोगों को फाइन आर्ट्स करना है, आप लोगों को कंप्यूटर कोर्सेज करना है, तो IPE वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी इन एफ्टावर, तो ज़रूर जाइएगा जानी और अपने भाई का नाम ले लीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही था, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।